नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और रुक करते खास खबरों की ओर। स्वच्छ बुंडू स्वच्छ भारत, ये सुनते ही कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी दुख भी होता है। ये हाल है नावाडीह टोली बुंडू वार्ड नंबर 11 का। सड़क में चलना भी मुश्किल हो गया है। नगर पंचायत बुंडू कृपया ध्यान दे, ये हम नहीं बल्कि रंजन कुमार केशरी का कहना है। दरअसल रंजन कुमार केशरी ने अपने फेसबुक में जलजमाव कीचड़ वाले सड़क का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा है। इसमें कमेंट हैरान करने वाला है। जीते हुए नेता पर नागरिक सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर इस तरह की समस्या को दूर करने में जीते हुए नेता आगे नहीं आएंगे तो चुनाव में वोट क्या सोच कर देंगे। आपको जानकर इस बात से हंसी आएगी कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट में ईस्ट जोन में 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में झारखंड के बुंडू को क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है। ईस्ट जोन में सबसे साफ शहर के तौर पर बुंडू ईस्ट जोन के इनोवेशन तौर पर अपना नाम दर्ज कराया है। स्वच्छ रैंकिंग में बुंडू नगर पंचायत को अवार्ड भी मिला है। इतना ही नहीं, 1 लाख से कम आबादी वाले शहर बुंडू नगर पंचायत को क्लीनेस्ट सिटी में जोनल लेवल पुरस्कार मिला है। यहाँ 120 सफाई मजदूरों ने 5 महीने तक सुबह दोपहर और शाम में सफाई का दायित्व बखूबी निभाया। डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी कराए जाने का जिक्र है। लेकिन सवाल अब ये है कि बुंडू नगर पंचायत स्वच्छता रैंकिंग में सफल होने के लिए सफाई पर ध्यान दे रहे थे या फिर अब भी सक्रियता से नगर पंचायत की सफाई में ध्यान देते हैं। हालांकि नगर के नागरिक अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी नगर पंचायत पर सवाल उठाने लगे हैं। हाय, देखिए वार्ड नंबर 11 का हाल नवाडी टोली बुंडू। स्वच्छ बुंडू, सुंदर बुंडू, स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत नगर पंचायत बुंडू को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में आप सभी नागरिक अपना भरपूर सहयोग दें और स्वच्छ एवं सुंदर बुंडू योगदान देकर एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज। ए जी, कचरा गला नहीं, यहाँ रोड के कचरा साफ नहीं होला है तो एक तो कोई देवे ना कि ये रोड के पूरा कचरा है कहीं तो कोनो लीक तो देखियो नहीं हो। ये पानी गिला कोनो हिसाब है नॉन लग जी वहाँ कॉल रहा है पहले कि नाली के कम से कम यहाँ कोई व्यवस्था कोई देवा कि सब हाँ कोई देवे ना गांव में नगर पंचायत में तो पता ही नहीं रहे लगी। इसी तरह कॉलेज रोड स्थित मैनेजर तालाब जाने वाली सड़क पर बारिश में नदी बन जाती है। बारिश पर NH-33 का पानी सड़क में बहते हुए तालाब का है। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे नाली नहीं बनने के कारण घर की सारी गंदगी बीच सड़क से होते हुए तालाब में जाती है। इसी तरह नगर पंचायत की उदासीनता से गंदगी वाली सड़क से सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं। साफ तरीके से कहा जाए तो बुंडू नगर पंचायत के कर्मचारी और संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर तो करते हैं लेकिन समस्या दूर करने में कोसों दूर है। और इधर नागरिक सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।